Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं करने वाला हूँ शोल्डर वर्कआउट। फर्स्ट वार्म अप सेट लेने वाला हूँ। आपको एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन में लेना है, ऐसे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ले रहा हूँ शोल्डर ओवरहेड डंबल प्रेस। डंबल का जो मूवमेंट है आपको स्ट्रेट लाइन में लेना है, सर्कुलर नहीं लेना, ये सीधा स्ट्रेट लाइन में डंबल का मोशन आपको लेना है। हर सेट में आपको वेट बढ़ाना है और रेपिटेशन को कम करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ले रहा हूँ लैटरल रेजेस। Talking about
बेनिफिट ये है कि आपको कंटिन्यू मसल पे टेंशन बना रहेगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ अपराइट रोइंग वाइड ग्रिप। लेकिन इसमें रिस्ट का इंजरी का चांस ज्यादा होता है, तो हो सके तो इसको वाइड पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसको आपको ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाना है, इसको सिर्फ शोल्डर लाइन तक ही लेना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में परफॉर्म करने वाला हूँ एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने में आपका फॉर्म अगर सही नहीं है तो आप इसको दूसरे तरीके से डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं, लेट डंबल से इसको लेट के परफॉर्म कर सकते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए हो सके तो लाइट वेट ले, क्योंकि रोटेटर कफ में एक बार इंजरी आती है तो वो हील होने के लिए बहुत टाइम लगता है। और याद रखिए जितना रेंज ऑफ मोशन है हो सके उतना लीजिए, और अपने एल्बो को एक जगह पर रखें, ज़्यादा मूव ना करें। और इसके आपको 20 रेपिटेशन लगाने हैं, चाहे तो वेट कम ले लेकिन फॉर्म अच्छा होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपके रोटेटर कफ के लिए है, और हो सके तो कम से कम वेट ले और 20 रेपिटेशन लगाए। ये एक्सरसाइज को आप डंबल पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो केबल मशीन पे परफॉर्म करें, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके मसल पे ज़्यादा टेंशन आएगा। अब तक वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले।